गुड मॉर्निंग और डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर साइंस क्लासेस, डेट इज जी के साइंस क्लासेस। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द प्रीवियस टॉपिक, डेट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम जो आपका प्रीवियस टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, उसी को कंटिन्यू करते हुए जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए जैसे कि क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव में क्या होता है। जैसे क्या है, हम किसी तार के अंदर, किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के पास होने की वजह से वो तार जो है, एक जो तार है वो क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। सेम वैसे ही क्या है, देखिए जैसे ही क्या करेंगे हम किसी वायर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट के पास होने की वजह से वो जो तार है वो क्या है, कुछ समय के लिए मैग्नेट बन जाता है, और इस प्रभाव को इलेक्ट्रिसिटी के हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास कंडक्टर इट बिकम आर टेम्परेरी मैग्नेट। दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जैसे ही हम क्या है, किस तार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के गुजरने की वजह से जो तार है वो क्या है, एक क्षणिक मैग्नेट बन जाता है, यानी क्षणिक चुंबक बन जाता है, उस समय के लिए चुंबक बन जाता है, यानी टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है। अब देखिए टेम्परेरी मैग्नेट इसलिए बनता है वो, क्योंकि वो जो कंडक्टर है, कंडक्टर वायर है, वो तब तक ही मैग्नेट रहेगा जब तक हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट गुजारते रहेंगे। जैसे क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट हम रोक देते हैं, वैसे क्या है, जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाती है, यानी वो क्या, मैग्नेट बनना भी बंद हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो मैग्नेट बनना शुरू हो रहा है, और कुछ समय के लिए बनना है, जब तक बनना है जब तक हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट गुजार रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को हम रोक देते हैं, वैसे क्या है, जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाती है, यानी वो सिंपल एक कंडक्टर बन जाता है जैसे कि पहले था। अब देखिए ये जो प्रभाव है जिसके द्वारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेट बना रहा है किसी कंडक्टर को, यही कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए इसके द्वारा क्या करते हैं हम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसको बना सकते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बनने वाला जो मैग्नेट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक। देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई मेटल की रोड या मेटल की छोटी सी कील लेंगे। सपोज मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, एक आयरन से बनी हुई क्या है, कील है, और हम क्या करेंगे इस पे एक इंसुलेटिंग कॉपर वायर जो है कई सारे जो है टर्न्स के रूप में लपेट देते हैं। और इसको क्या करेंगे हम, किसी बैटरी के द्वारा अटैच कर देते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। और जैसे क्या है, हम इस बैटरी से जो है करंट को फ्लो कराते हैं इसके अंदर, तो यानी जो ये हमने लोहे की कील ली है, ये क्या करती है, एक मैग्नेट बन जाता है।
और ये जो मैग्नेट जो इस बैटरी के करंट की वजह से बन रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बन रहा है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसका कैसे पता लगाएंगे कि ये मैग्नेट बना है या नहीं बना है? अगर हम इसके पास कोई कंपास बोच ला कर रख देते हैं, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक इसके अंदर नीडल होती है जैसे, क्या है देखिए, हम इसके अंदर क्या है, कोई कंपास बोच जो है लाकर रखेंगे, तो वैसे क्या है, जो कंपास बोच है इसके अंदर जो नीडल लगी है, जो सुई लगी है मैग्नेट से बनी हुई, ये सुई के अंदर जो है डिफ्लेक्शन महसूस होगा। डिफ्लेक्शन मतलब थोड़ी सी हलचल महसूस होगी। इसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि ये जो लोहे की कील थी, ये क्या है, एक मैग्नेट बन चुकी है जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है। अब यानी देखिए, अगर मान लीजिए, अगर ऐसा भी हमारे पास नहीं पता चल पा रहा है कि हमें जो है मैग्नेट बनी है नहीं बनी, अगर हम आयरन की छोटी छोटी जो है कील्स जो होती हैं, या निकल की या कोबाल्ट की जो है कुछ टुकड़े लेकर आए और इस कील के पास ले आए, तो इस कील की खास बात है ये क्या करेगी, उन लोहे की छोटी छोटी कीलों को ये अपनी तरफ चिपकाना शुरू कर देगी, जैसे कि एक मैग्नेट करता है। यानी मैग्नेट क्या करता है, लोहे की चीज़ों को, निकल की चीज़ों को और कोबाल्ट की चीज़ों को अपनी तरफ अपने पे चिपका लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वैसे क्या है, ये जो आयरन नेल्स, जो ये जो आयरन की रोड है, ये भी क्या करेगी, उन आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और उनको अपने ऊपर चिपका लेगी। इससे ये सिद्ध होता है, ये जो मैग्नेट है, ये जो आयरन रोड थी है, एक मैग्नेट बन चुका है। और इस तरह का जो मैग्नेट बनता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, क्योंकि अगर जैसे क्या है देखिए, हम अगर यहाँ पे एक की लगा देते हैं, अगर इस की को जो है हम ऑफ कर देते हैं, तो वैसे क्या है, इसके अंदर करंट बहेगा नहीं, करंट नहीं बहेगा, तो यानी जो मैग्नेट बना है, ये जो मैग्नेटिक मैडम इसका जो मैग्नेटिज्म है वो भी खत्म हो जाता है। यानी सिंपल है कि एक पुराने जैसे पहला था लोहे का रोड वैसे ही बन जाएगा। और जैसे क्या है, हम इसको ऑन करेंगे, तो वैसे क्या करंट बहना शुरू हो जाएगा, तो फिर से ये दोबारा से क्या मैग्नेट बन जाएगा। यानी इस तरह की जो मैग्नेट होती है वो टेम्परेरी मैग्नेट कहलाती है। परमानेंट यानी जो हर समय जो है मैग्नेट बनी रहे, टेम्परेरी जो कुछ समय के लिए बनती हो बाद में नष्ट हो जाती हो, इस तरह की जो मैग्नेट होती है वो टेम्परेरी मैग्नेट कहलाती है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका बहुत ज़्यादा यूजेस है। अगर हम बात करें यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल देखिए, जो टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं, उनमें किया जाता है, कंप्यूटर्स में किया जाता है, टीवीज में किया जाता है, और देखिए सबसे ज़्यादा जो कॉमन सा यूज है वो है डोरबेल। यानी डोरबेल में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है, डोरबेल। यानी आपने देखा होगा पहले जो दरवाजों पर बेल लगी रहती थी, उनमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रहता था, और कैसा ये देखिए वो वर्क करता था उसके बारे में हम समझा रहे हैं। इसमें क्या देखिए, एक मेटल वॉल लगा रहता था, दूसरी तरफ क्या है, एक मेटल स्ट्रिप, और यहाँ पर क्या है, एक बॉब लगा रहता था, और इस मेटल स्ट्रिप को क्या है देखिए, एक कॉइल से जोड़ दिया जाता था। मेटल अब देखिए, जैसे ही क्या है, ये जो हमने नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया है, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे क्या है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम क्या है किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से अटैच करते हैं, यानी ऊपरी तरफ अटैच कर देते हैं, यहाँ पे एक की लगा देते हैं। अब देखिए, जैसे ही क्या है, हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या है जो नीचे की तरफ लगाई गई है, इसे हम क्या है, इसका जो की है इसको ऑन करते हैं, जैसे हम क्या है की को प्रेस करते हैं, तो वैसे क्या हुआ, बेल बजती है।
बेल क्यों बजती है, जैसे ही देखिए हमने क्या है इस की को प्रेस किया, जो की है उसको दबाया, तो वैसे क्या हुआ देखिए सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट होने की वजह से इसके अंदर क्या है एक करंट जो है फ्लो होना शुरू हो जाता है। जैसे क्या देखिए इसमें करंट फ्लो होगा, वैसे क्या है जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट थी ये अपना काम करना शुरू कर देगी, यानी काम करने का मतलब क्या है ये एक मैग्नेट बन जाएगी। और जो बोब यहाँ पर लगा है, दिस इज अ बोब, यानी बोब क्या है देखिए एक ऐसा देखिए इक्विपमेंट होता है जिसका साइज छोटा होता है बट वेट ज्यादा होता है। इसलिए क्या है जब ये क्या है बोब जब मैग्नेट बन जाएगा तो ये क्या करेगा बहुत तेजी के साथ जो है ठीक है ये जो मेटल बाउल लगा है, मेटल मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल है उससे बना हुआ एक बाउल लगा रहता था, ये बहुत तेजी से क्या करता था इसको अपनी तरफ खींचता था, बट ये क्या है फिक्स था एक जगह तो ये जो है इसको नहीं खींच पाता था लेकिन खुद जो है इसकी तरफ चला जाता था, यानी ये जैसे था जब मैग्नेट बनेगा तो ये पटक रहता था। अब जैसे क्या नीचे एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिप लगी रहती थी, फ्लेक्सिबल यानी लचीली पत्ती जो क्या होती थी पीछे की तरफ होती थी, अब जैसे ये तुरंत इस पर टकराएगा आवाज निकलती थी फिर से पीछे को जाता था, यानी फिर से इस पर टकराएगा फिर देखिए साउंड प्रोड्यूस होगा फिर पीछे को जाएगा, पत्ती देखिए इसे पीछे खींचती थी मैग्नेट जो है इस मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ यानी जो बाउल है उसकी तरफ खींचती थी, पट्टी इसे पीछे खींचेगी जो जो इसमें स्ट्रिप लगी है वो इसको पीछे की तरफ खींचेगी, जो मैग्नेट बनाया उसको ये बाउल की तरफ खींचता है। इस तरह से ये प्रोसेस जो है लगातार होता रहता था और जो ये बॉब है ये क्या होता था देखिए बॉल पर लगातार जो है टकराता रहता था और जो साउंड थी प्रोड्यूस होती थी। इस तरह से क्या है देखिए जो डोर बेल थी वो जो है वर्क करती थी और देखिए कॉमन सा इस्तेमाल था डोर बेल इलेक्ट्रोमैग्नेट का। देखिए प्यारे बच्चों अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो देखिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।